आईपीएल 2023 के 8वें महामुकाबले के बाद बदला। आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगा तगड़ा झटका, तो वहीं पर पंजाब किंग्स की टीम को मिली बड़ी खुशखबरी। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस हुई तेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का 8वां महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया और इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम को 5 रनों की कमी से मुकाबले को गंवाना पड़ा और पंजाब किंग्स की टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है और इसी जीत के साथ यहां पर पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो वहीं पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में भी शानदार खिलाड़ी नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, कौन सी टीम कौन से स्थान पर मौजूद है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में कौन से खिलाड़ी नंबर 1 पर मौजूद है। टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी पंजाब किंग्स की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश है। तो दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले आज के मुकाबले की, तो आज के मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया और इस मुकाबले में इतिहास रचते हुए 5 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम पर किया है और इसी के साथ ही पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं यहाँ पर ऑरेंज कैप की रेस के बारे में। तो ऑरेंज कैप की रेस में हम नंबर 5 से ही बात करें तो यहाँ पर नंबर 5 पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान डेविड वार्नर, जिन्होंने 2 मुकाबलों में 93 रन बनाए हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के संजू सैमसंग, जहाँ पर संजू सैमसंग ने अपने 2 मुकाबलों में 97 रनों की शानदार पारी खेली है। तो वहीं पर नंबर 3 पर इसी रेस में मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान शिखर धवन, अपने 48वें अर्धशतक के साथ ही इन्होंने 2 मुकाबलों में 126 रन बनाए हैं और नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं पर इसी रेस में नंबर 2 पर मौजूद है काइली मेयर्स ने 2 मुकाबलों में 126 रन बनाए हैं। तो वहीं पर नंबर 1 पर मौजूद है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने 2 मुकाबलों में 149 रनों की शानदार पारी खेली है और फिलहाल ऑरेंज कैप अपने सर पर सजाए हुए हैं। तो वहीं पर पर्पल कैप की रेस की हम बात करें तो पर्पल कैप की रेस में फिलहाल नंबर 5 पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम के युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 2 मुकाबलों में 5 विकेट चटके हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम के नाथन एलिस, जिन्होंने 2 मुकाबलों में 5 विकेट चटके हैं। तो वहीं पर नंबर 3 पर मौजूद है इसी रेस में यहाँ पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के रवि बिश्नोई, जिन्होंने 2 मुकाबलों में 5 विकेट लिए। तो इसी रेस में फिलहाल नंबर 2 पर मौजूद है राशिद खान, गुजरात टाइटन्स की टीम के राशिद खान ने अपने 2 मुकाबलों में 5 विकेट लिए हैं। तो वहीं पर नंबर 1 पर मौजूद है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के मार्क हुड ने फिलहाल अपने 2 मुकाबलों में 8 विकेट चटके हैं, यानी कि यहाँ पर पर्पल कैप फिलहाल मार्क हुड अपने सर पर सजाए हुए हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर पॉइंट्स टेबल के बारे में। दोस्तों, पंजाब किंग्स की इसी ऐतिहासिक जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट्स टेबल के आखिरी पायदान से हम बात करें तो आखिरी पायदान पर मौजूद है सनराइज़ हैदराबाद की टीम ने 1 मुकाबला खेला है, 1 ही मुकाबला हारा है। इस टीम के नेट 100 यहाँ पर -3.600 के साथ सनराइज़ हैदराबाद की टीम नंबर 10 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 9 पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, मुंबई इंडियंस की टीम ने 1 मुकाबला खेला है, 1 ही मुकाबला हारा है। इस टीम की नेट 100 -1.981 के साथ नंबर 9 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 8 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी अपने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों ही मुकाबले गवा दिए हैं और इस टीम की नेट 100 -1.703 के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहां पर नंबर 8 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 7 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने भी 1 मुकाबला खेला है, 1 ही मुकाबला गवा दिए हैं और इस टीम की नेट 100 -0.438 के साथ फिलहाल ये टीम
नंबर 7 पर बनी हुई है। तो इसी रेस में नंबर 6 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारा है और इस टीम की नेट रन रेट है यहाँ पर +0.036 और 2.2 के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नंबर 6 पर बनी हुई है। तो वहीं पर नंबर 5 पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने भी 2 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारा है और इस टीम के पास 2 पॉइंट है और नेट रन रेट है +0.950 के साथ यहाँ पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम नंबर 5 पर बनी हुई है। तो वहीं पर टॉप 4 टीमों में फिलहाल यहाँ पर नंबर 4 पर चल रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जहाँ पर नंबर 4 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 2 मुकाबलों में से 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारा है। टीम के पास 2 पॉइंट है और नेट रन रेट है +1.675 के साथ नंबर 4 पर बनी हुई है। तो वहीं पर नंबर 3 पर RCB की टीम मौजूद है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 1 मुकाबला खेला है, 1 ही मुकाबला जीता है, 2 पॉइंट टीम के पास मौजूद है और नेट रन रेट है यहाँ पर +1.981 के साथ ये टीम नंबर 3 पर बनी हुई है। तो वहीं पर टॉप 2 टीमों में शामिल है पंजाब किंग्स की टीम, जहां पर नंबर 2 पर पंजाब किंग्स की टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं। टीम के पास फिलहाल 4 पॉइंट है और नेट रन रेट है +0.333 के साथ ये टीम नंबर 2 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं पर नंबर 1 चल रही है गुजरात टाइटेंस की टीम। गुजरात टाइटेंस की टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं, 2 ही मुकाबले जीते हैं, 4 पॉइंट इस टीम के पास मौजूद है और नेट रन रेट है +0.700 के साथ नंबर 1 पर बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी शानदार फॉर्म में गुजरात टाइटेंस और पंजाब किंग्स की टीमें मौजूद है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर यहाँ पर नंबर 1 बनेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।